नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की वीडियो अपनी थोड़ी स्पेशल है, खास जानकारी है उन पशुपालक भाइयों के लिए जो अपनी नस्ल में सुधार करना चाहते हैं और सीमन उसके लिए जब यूज़ करते हैं तो हमें दिक्कत आती है कि जो हमारा सिलेक्टेड बुल होता है उसका सीमन हमारे एरिया में अवेलेबल नहीं होता। और फिर हमारी कोशिश रहती है कि जहाँ वो हमें सीमन मिल सकता है वहाँ से हम अपने घर तक कैसे लेके आएँ, तो उसकी पूरी जानकारी हम आज की वीडियो में जानेंगे कि किस प्रकार से हम हमारे अच्छे सिलेक्टेड किए गए बुल का जो सीमन है वो हम हमारे घर तक कैसे लेके आएं, चाहे वो इंडिया के किसी भी कोने में हो। तो आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं और मिलते हैं श्याम सर से, जो कि इस लाइन में ये काम कर रहे हैं, अपने एरिया में जो नॉर्मल डेयरी फार्मर हैं उनके जो सिलेक्टेड बुल हैं उनके सीमन ये अपने पास रखते हैं और उनके लिए जो है अवेलेबल करवाते हैं। तो इनके माध्यम से आज हम ये सारी जानकारी कलेक्ट करेंगे कि किस प्रकार से हम इंडिया के किसी भी कोने से सीमन स्ट्रा हम हमारे पशु के लिए ला सकते हैं और वो भी उसको सुरक्षित। तो सर नमस्कार। नमस्कार सर जी। तो सर एक बार अपने बारे में जानकारी आप व्यूअर्स को दें। मैं जी गाँव बांसवा तहसील होडल डिस्ट्रिक्ट पलवल से हूँ जी। जी जी हाँ जी। तो सर जैसे आप अपने एरिया में जो नॉर्मल फार्मर हैं उनके लिए पशुओं के लिए सीमन आप अवेलेबल करवा रहे हैं, हाँ जी, तो आप कुछ जानकारी हमारे व्यूअर्स को भी दें कि हम किस प्रकार से हमारे पशु के लिए सिलेक्टेड किया गया जो सिलेक्टेड बुल है उसका सीमन हम कैसे लेके आए, तो इसके लिए हमने क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए होगा। देखो सबसे पहले तो जी आपको उसको लाने के लिए कहीं से एक दूसरी ट्रांसपोर्ट के लिए दूसरी जगह से सीमन लाते हैं और अपने पास रखते भी एक दो दिन के लिए, ऐसा तो है नहीं पशु हीट में आया और आप तुरंत लेके चल दिए, हमारे पड़ोस में है नहीं ऐसा, दो भी हमें कम से कम 200 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा सीमन लेने के लिए। और भी जो मेरे भाई है उनको भी इधर उधर जाना पड़ेगा सीमन के लिए, वो नहीं हो सकता। लेकिन सबसे पहले आप एक अपना ये सिलेंडर खरीदिए जी। तो जैसे आपने बताया कि ये सिलेंडर खरीद लीजिए, तो हमने हमारे एरिया में लोकल में कई बार देखा कि हमारे जो पशुपालक भाई है वो थर्मस में लेके आते हैं, तो क्या थर्मस में हम लेके आ सकते हैं? नहीं जी, थर्मस का इसका वो इतना वो नहीं है जी, 10-20 मिनट के लिए इसमें इतनी गैस नहीं आती, इसमें कम से कम लीटर का कम से कम आप ये रखे सिलेंडर, एक लीटर का कम से कम लाने ले जाने के लिए बड़ा नहीं खरीद सकते जी, जी। और इसमें और ज्यादा भी नहीं खरीद सकते आप, तो अपना ग्रुप बना के गाँव में अपना 10-20 आदमी जो भी अपने अच्छे पशुपालक है जो अपनी जानकारी रखते हैं वो अपने रखे अपने 10-20 सीमन, ज्यादा भी नहीं तो अपना इकट्ठा कर सकते हैं, जब आपका पशु हीट में आए तो आप वो रखवा सकते हैं तो सर जैसे आपने बताया कि हम सिलेंडर ले आए, तो जैसे आपके पास ये सिलेंडर है, ये कौन सा सिलेंडर है, क्या इसकी कीमत हो जाती होगी, कौन सी कंपनी का है ये? भाई साहब इसका मैंने पक्का दिया नहीं है, इसमें लिखा हुआ है इसके सामने, मैं आपको दिखा दूंगा जी, ये रहा इसका कंपनी का आप हाँ यहाँ देख सकते हैं, थोड़ा सा और घुमाएं सर, हाँ जी क्राइसिल जो भी है आप यहाँ से देख सकते हैं, थोड़ा सा उधर अलग अलग कंपनियों का आता है जी, जी काफी इंडियन ऑयल का भी ले सकते हो जी, इसका भी अलग अलग है जी। तो ये मैंने हिसार से खरीदा था जी, जी जी हमारे यहाँ पर अवेलेबल नहीं था, तो मैंने हिसार में CIRB से लेने गया था जी, सीमन जी, तो वहाँ से मैंने हिसार से खरीदा था जी, ये जी प्राइवेट खरीदा था। तो आपने किस प्राइस रेंज में आप ये 10,300 का खरीदा था जी, एक साल की इसकी वारंटी है, एक साल इसकी वारंटी है जी। तो आप देख सकते हैं 3 लीटर का, यदि आप 5 से 7 पशुपालक भाई इकट्ठा करके लेके आना चाहें तो आप ले सकते हैं 3 लीटर का, और यदि आपके पास ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप 1 लीटर का भी ले सकते हैं जिसमें उसकी कीमत भी कम हो जाती है। तो सर अब बात आ गई कि हमने ये सिलेंडर तो ले लिया, अब इसमें जो है गैस की रिक्वायरमेंट भी होती है, नहीं तो फिर सीमन को जो जीवित रखने के लिए। तो इससे पहले मैं एक बात कहूंगा जी, जब आप खरीदते हो इसमें सीमन रखते हो, रखने से पहले कम से कम 1-2 घंटे पहले इसमें आपको इसको ठंडा कर लो जी, इसमें सीम इस आप तरीका ये नोट कर सकते हैं, सर ने जो काफी अच्छी जानकारी बताई है अनुभव, इसके सीमन रखने से पहले इसमें आप गैस डाल लो, ये ना हो सके कि आपने सीमन रख लिया उसके बाद इसमें आप गैस डाल रहे हो जी, बिल्कुल सही बात है, सीमन रखने से पहले 1-2 घंटे पहले इसमें गैस डालो, इसको पूरा भरवाओ वहां से गैस से, और गैस के लिए देखो हर जगह गैस उपलब्ध नहीं हो सकती जी कहीं भी, तो इसके लिए आप NDT की वेबसाइट पर जा सकते हैं, वहां से वो प्राइवेट सीमन गैस प्रोवाइड करवाते हैं अपने जगह जगह, तो आप इसके लिए आपने अपने प्राइवेट AI वर्कर हैं उनसे आप संपर्क कर सकते हैं कि आपके एरिया में किस दिन गैस आएगी, कितने दिन में आएगी, कितने दिन में आपके पास वो अवेलेबल करवा सकते हैं NDT वाले, तो कितने दिन आपके सिलेंडर में चल सकती है जी। तो सर ने काफी अच्छी जानकारी बताई, एक पॉइंट भी हमें जो है क्लियर करके दिया कि आप जो आपके एरिया में प्राइवेट AI वर्कर है आप उससे यदि सलाह ले लेते हैं तो आपको इस सिलेंडर के बारे में भी जानकारी मिल जाएगी कि कहाँ मिलेगा, कितने में मिलेगा, आपके लिए कैसे अवेलेबल होगा, और सर ने बताया कि गैस की भी आपको रिक्वायरमेंट होगी तो आप भी उनसे जो है संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि जैसे NDDB भी है आप उसकी वेबसाइट चेक करेंगे तो वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं LN2 जिसको गैस हम बोलते हैं, उसी के अंदर सीमन को रखा जाता है, तो वहाँ से आप अपनी जो है रिक्वायरमेंट आप पूरी कर सकते हैं, जब भी उनका एरिया
उनकी जो सप्लाई आपके एरिया में आती है तो आप कलेक्ट कर सकते हैं। तो सर, जैसे आपने बताया कि हम ये जो 3 लीटर का सिलेंडर हमने रख लिया, तो गैस के लिए फिर हमें एक एक्स्ट्रा और सिलेंडर चाहिएगा, उसके लिए हम कैसे मैनेज कर पाएंगे फिर? ये तो ये जो प्राइवेट वर्कर से जो आप AIA वर्कर है जी, उसे संपर्क कर सकते हो। जैसे कितने दिन, ज़्यादा दिन में आती है तो आपको गैस के लिए दूसरा सिलेंडर चाहिए, बिल्कुल हो सकता है हफ्ते में आती है जी। जैसे सर्दी का मौसम है तो सर्दी के मौसम में आप इसको हिलाओगे डोलाओगे नहीं, एक जगह रख के रखोगे कवर के अंदर, इसका कवर है, इसके कवर के अंदर इसको एक जगह रख के रखोगे तो उसमें 4-5 दिन 6 दिन से अपने आराम से चल जाती है। वैसे सर्दी का मौसम, ठंडा मौसम चला हुआ फिलहाल, तो इसमें हफ्ते तक इसमें कलेक्ट रहती है गैस। आगे जैसे गर्मी का मौसम आएगा हो सकता है इसमें कम, वो 4th दिन भी डलवानी पड़ सकती है, तो इसके लिए हमें हो सकता है अगर आपके पास हमें 4 दिन में 5 दिन में अवेलेबल हो जाती है गैस तो उसको, तो जब तो हम एक सिलेंडर से काम चला सकते हैं और नहीं फिर हमको दूसरा भी रखना पड़ सकता है। तो सर, जैसे आपने बताया कि हम इसको किस तरह से मैनेज करें, अब हम बात करेंगे कि जैसे हमने पशु सिलेक्ट कर लिया, मुर्रा बुल सिलेक्ट कर लिया, और जनरली जो मुर्रा बुल हैं वो हमने हमारे हरियाणा में ही होते हैं, तो हरियाणा में कहाँ कहाँ अवेलेबल हैं और फिर कैसे वो हमें मिल सकते हैं, इस प्रोसेस के बारे में भी बताएं। ये तो आप ये सीमन लेने से पहले आप ये चुनाव करो कि हमें किस बुल का करना है जी, सही। उससे पहले मैं तो एक बात कहूंगा, अपनी निजी राय है मेरी, मैं किसी का नहीं कह सकता कि आप उससे बुल चुनाव करने से पहले उसका मिल्क रिकॉर्ड देखें, ना कि उसकी शरीर की जो उसकी बॉडी स्ट्रक्चर है उसको देखें, उसकी मिल्क लाइन देखो पहले आप। सही बात, आप जो चुनाव करने से जो बुल का चुनाव कर रहे हो उसकी पहले इसके माँ का मिल्क लाइन, उसके जो पिताजी है उनका जो इसका वो देखो उसके बाद, और फिर जब भी आप लें तो किसी अच्छी संस्था से ही सीमन खरीदें। जैसे तो मैं तो सुझाव दूंगा अपने निजी राय पे, मैं हिसार CIRB से खरीदे हैं मैंने जी, ये सारे जी। अच्छे, तो इसके लिए जब आप लेने जाओ तो आपने पास अपना एक आधार कार्ड हो, HLDB से खरीदो तो अपना ID जो ID प्रूफ है आपका वो भी अपना HLDB के लिए, और हो सकता है वो आपको लिए आप जब आप सीमन लेने जाएं तो आपसे मांग सकते हैं कि आप अपने जो डॉक्टर है अपने आपके सरकारी उनसे लिखवा के ले जाएं, या अपना जब भी कभी लेने आप आधार कार्ड अपना फोटो अपना पहचान पत्र साथ लेने साथ लेके जाएं, कहीं भी आप NDDB से खरीद रहे हो, HLDB से खरीद रहे हो, हिसार सुप्रीम जो भवन सेंटर है से खरीद रहे हो जी, या फिर आप जैसे CIRB हिसार से खरीद रहे हो जी, तो मैं तो ये कहूंगा जो, लेकिन मैंने अपने निजी तौर पर मैंने CIRB हिसार से खरीदे हैं सारे जी, जितने भी मेरे पास सीमन है जो मैंने खरीदे हैं जी, हाँ जी, तो मैंने उन्हीं के जो सीमन बने हुए हैं वो भी अपने पास रखे हुए हैं जी जी। तो सर, जैसे आप ही अपने लोकल डेयरी फार्म के लिए अवेलेबल करवा रहे हैं, तो छोटी जानकारी हम आपके, हो सकता है व्यूअर आपके एरिया के भी हों तो उसके लिए भी हम जानकारी लेना चाहेंगे, तो आप किस प्राइस में जो सीमन स्टाफ अवेलेबल करवा रहे हैं? ये जी, मेरा इसमें कोई ज़्यादा प्रॉफिट नहीं है कोई से, मेरा तो क्लियर यही है जी अपने एरिया के लिए कि हमारे एरिया में 6 कटिया पैदा हों, आगे हम भी अपनी नस्ल सुधार में आगे आए हमारा एरिया भी, तो मैं इसके जो मेरा खर्चा आता है जिसमें, जैसे मैंने 300 रुपये का खरीदा है जी कोई भी अपना, तो उसमें 100 रुपये ऐड करके लेता हूँ जी मैं, उसमें वो जो मेरा खर्चा है गैस का खर्चा या मेरा ट्रांसपोर्ट जो खर्चा लगा है उसमें मैं 100 रुपये करके देता हूँ, बाकी जो भी जैसे कोई भी भाई मेरे पास आता है या मेरे पास कोई भी रिक्वायर करता है सीमन के लिए, तो उसके लिए जो डॉक्टर जो प्राइवेट डॉक्टर है वो अपना अलग से लेते हैं जी रखने का। बिल्कुल सही बात सर ने बताई है, और बिल्कुल कम मार्जिन के ऊपर ही जो है सर अपने डेयरी फार्मर के जो आसपास के डेयरी फार्मर हैं उनको अवेलेबल करवा रहे हैं, जो 300 रुपये के होते हैं, जितने एक्स्ट्रा 300 रुपये में आते हैं वो 400 रुपये में ही अवेलेबल करवा देते हैं। तो सर का यहाँ से हिसार तक का जो किराया है, टाइम है, या फिर यहाँ से जब अवेलेबल करवाते हैं या फिर इसको मैनेज करके यहाँ गैस भी उसके लिए यूज़ करते हैं, तो वो सारा जो खर्च है उसी 100 रुपये में शामिल है, तो काफ़ी अच्छी कम मार्जिन पर जो है फार्मर के लिए अवेलेबल करवा रहे हैं। तो इसके लिए सर का बहुत बहुत धन्यवाद कि इतना अच्छा योगदान हमारे पशुपालकों के लिए वो कर रहे हैं, और जितना हमारे लिए मुश्किल काम है वो हमारे फार्मर के लिए काफ़ी आसान बना रहे हैं। सर, एक लास्ट पॉइंट मैं और आपसे क्लियर करना चाहूँगा कि जैसे आपके पास ये 3 लीटर में सिलेंडर है, तो इसमें मैक्सिमम हम कितने सीमन स्टार्ज हो रख सकते हैं? ये जी, मैंने लिया जब मैंने जानकारी की थी देने सिलेंडर खरीदने से पहले जी, तो उन्होंने जो मेरे को जहाँ से मैंने खरीदा उनको बताया आप इसमें 1500 तक इसमें रख सकते हो, रख सकते हैं, स्टोर कर सकते हो जी, लेकिन फिलहाल मैंने इसमें 150 से 200 ही रखे हैं मैंने अपने पास जी। वैसे तो इसमें जो इसकी कैपेसिटी है वो आपको जैसे जो आप सिलेंडर खरीदोगे उसके हिसाब से कैपेसिटी बढ़ती जाएगी। 3 लीटर की कैपेसिटी इसकी कम से कम 1500 सीमन रखने की कैपेसिटी है जी, इसके से बड़े जो 5, 10 या 50 लीटर में होते हैं तो उसकी उतनी ही जो ज़्यादा कैपेसिटी हो बढ़ जाती है, और 1 लीटर का है तो इससे कम हो जाती है। तो सर ने काफ़ी अच्छी अच्छी जानकारी बताई, और हमारे जो डेयरी फार्मर का जो काम है वो बहुत ही आसान आज की वीडियो में मैं मानूंगा कि हो जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, और सर का काफ़ी धन्यवाद कि उन्होंने हमें अच्छी अच्छी जानकारी आज की वीडियो में दी। तो सर, थैंक यू।
थैंक यू जी। मैं तो सभी का धन्यवाद करना चाहूंगा और मैं तो आगे से यही कहूंगा जी अपने लिए कि आगे से सभी भाइयों के लिए जो अपने नस्ल सुधार के लिए अच्छे ही बोलों का प्रयोग करें, या आप जाते हो तो डायरेक्ट क्रॉसिंग करवा रहे हो तो भी अच्छा है, तो डायरेक्ट क्रॉसिंग नहीं कर पाते हो तो आप AI के माध्यम से या सीमन के माध्यम से अच्छे बोल का ही चुनाव करें, जाकि हम आगे से अच्छे कटरे कर दिया अपने भविष्य में पैदा कर सके, जिससे हमें अच्छा प्रॉफिट हो या घर पर भी रखे तो अच्छी नस्ल आए हमारे पास। तो सर ने काफी अच्छी बातें भी बताई, काफी अच्छी जानकारियां भी हमें दी, तो इसके लिए सर का बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर थैंक यू।